सैमसंग इस दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्टफोन ब्रांड है और वो इस लेवल पे पहुंचा है अपने प्रोडक्ट्स की सुपीरियर क्वालिटी की वजह से। बट हमेशा से ऐसा नहीं था। शुरू में सैमसंग का फोकस क्वांटिटी पे रहता था, यानी कि जितने हो सके उतने प्रोडक्ट्स निकालो, क्वालिटी चाहे जैसी भी हो। इस आइडियोलॉजी की वजह से सैमसंग के हैंडसेट्स डिफेक्टिव निकल रहे थे और इनकी मार्केट में रेपुटेशन ऐसी बन रही थी कि सैमसंग के हर 10 में से एक फोन तो डिफेक्टिव निकलेगा। इस वजह से 1995 में एक काफी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी भी हुई थी, क्योंकि ये बात सैमसंग के चेयरमैन ली कुन ही को बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने 1.5 लाख फोन्स जो कि उनकी उस टाइम की पूरी इन्वेंटरी थी सबको साथ में रखा और फैक्ट्री एम्प्लॉयज के सामने उन्होंने फोन्स को हथौड़े मार मार के तोड़ा और उसके बाद सबके आग लगा दी। एम्प्लॉयज को भी ये चीज बहुत शॉकिंग लगी और इसके बाद उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को सुधारने की कसम खा ली। ये स्टंट सैमसंग के लिए एक टर्निंग पॉइंट बना और इसके बाद ही उन्होंने क्वालिटी और इनोवेशन पे फोकस करना स्टार्ट किया और इसी वजह से सैमसंग आज ये मास्टरपीस बना पा रहा है।